بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين وكرا کے پاکستانیوں شیخ رشید کی طرح آپ نے میرا بھی دل جیت لیا شکریہ آپ کا میں خاص طور پہ آج جس تعداد میں میری بہنیں نکلی ہیں میں آپ کو بھی خراج تحسین پیش کر اچھا سب سے پہلے میں آج ایک تکلیف دہ بات سے شروع کرنا چاہتا ہوں میرے لیے سنیں سنیں ذرا آج مجھے تکلیف ہے کہ ایک تحریک انصاف کی خاتون بیگم سلونی بخاری دو دن پہلے اللہ کو پیاری ہو گئی سلونی بخاری ہماری تحریک انصاف میں وہ تب شامل ہوئی جب لوگ ہنستے ہوتے تھے مذاق اڑاتے تھے یہ وہ خاتون تھی جنہوں نے میرے سب سے زیادہ برے وقت میں انہوں نے میرا ساتھ دیا یہ سلونی بخاری وہ خاتون ہیں جنہوں نے ساری عورتوں سے زیادہ تحریک انصاف میں جدوجہد کی اور میں آپ کو صرف آخری دفعہ جب ان سے میری بات ہوئی وہ کینسر تھی ان کو ایک سال سے کینسر کے خلاف جنگ لڑ رہی تھی تو جب میری آخری ان سے بات ہوئی چند ہفتے پہلے تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں اللہ سے دعا کر رہی ہوں کہ مجھے اتنی زندگی دے دے کہ میں نیا پاکستان دیکھ لوں تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ پہلے تو اللہ ایسی خاتون جس نے اچھے برے وقت میں قربانیاں دی پارٹی کے لیے لوگ مذاق اڑاتے تھے اس کا ساری اس کے گھر والے اس کے خاندان دوسری جماعت میں تھے وہ اکیلی کھڑی ہوتی تھی تحریک انصاف کے لیے اور جب میں ایک چیز بتا دوں مجھے پنجاب یونیورسٹی میں آج سے 10 سال پہلے جمعیت کے غنڈوں نے جب پکڑ کے تو مجھے لے کے جا رہے تھے پولیس کے حوالے کرنے تو میں دیکھ رہا تھا وہ جب گاڑی لے کے جا رہے تھے تو سلونی بخاری گاڑی کے سامنے کھڑی ہو گئی تو یہ وہ خاتون ہیں اور میں یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس طرح کے لوگوں کے لیے ان کی جدوجہد کے لیے اللہ تو ہماری مدد کر نیا پاکستان بنانے کے لیے دوسرا مجھے افسوس ہوا کوئٹہ کے اندر چرچ کے اندر حملہ ہوا دہشت گردی کا اور مجھے پتا چلا 7-8 لوگ اپنی جانیں کھو بیٹھے تو میں آپ سب کے لیے آج اوکاڑا کے لوگوں ایک چیز یاد رکھنا قائد اعظم نے پاکستان کے لیے جدوجہد ایک وجہ سے کی تھی سب سے بڑی وجہ کہ ان کا خیال تھا کہ ہندوستان میں اقلیتوں کو ان کو انصاف نہیں ملے گا وہ برابر کے شہری نہیں رہیں گے یہ بہت بڑی وجہ تھی کہ وہ کانگریس کو چھوڑا اور انہوں نے مسلمانوں کو اکٹھا کیا مسلم لیگ کے لیے اور جدوجہد کی پاکستان بنانے کے لیے تو آج ہم پاکستانی
हम पाकिस्तानियों को पहले तो आज कायदे आजम को फिर से याद करना चाहिए और उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि जो उन्होंने हमें पाकिस्तान बनाया, आज हमें एहसास है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों से क्या हो रहा है, बल्कि मुसलमान नहीं अकलियतों से। अभी मैं आज पढ़ रहा था कि उन्होंने एक पादरी को, उनके जो हिंदू इंतहा पसंद है, उन्होंने पादरी को पकड़ के जेल में डाला किसी बहाने के लिए। तो कायदे आजम वो लीडर थे जो तब समझ गए कि मुसलमानों को हिंदुस्तान में बराबर के शहरी का हक नहीं मिलना। तो आज हम सब पाकिस्तानियों को ये वादा करना चाहिए, ओहद करना चाहिए हमें सबको ये कि जो अकलियत है पाकिस्तान में, हमने उनको बराबर के शहरी बनाना है, हमने उनको बराबर के वो शहरी बनाना है जिन्होंने हमारे साथ मिलकर नया पाकिस्तान बनाना है। उकाड़ा के लोगों, क्या आप मेरे साथ मिलकर अपनी अकलियतों को, आप इनके हकूक की हिफाजत करेंगे? हाथ खड़ा करें, इंशाल्लाह। अच्छा, मैं देख रहा था कि नवाज शरीफ ने आज फिर से अपने घर लंदन से पाकिस्तान को दौरा किया है और आते हुए कहा, उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान की अदलिया के खिलाफ तहरीक चलाऊंगा। सुन लो, कहता मैं पाकिस्तान की अदलिया के खिलाफ तहरीक चलाऊंगा। नवाज शरीफ रायगढ़ में बैठे हो, मेरी जरा यह बात सुनो। पहले तो मैं सवाल ये पूछता हूं कि तुमने कभी जिंदगी में तहरीक चलाई है? कभी गीदड़ तहरीक चला सकता है? गीदड़ जो बुजदिल आदमी होता है वो कभी भी स्टैंड नहीं ले सकता। क्या तुम्हारी पार्टी ने तहरीक चलाई थी जब मुशर्रफ ने पकड़ के तुम्हें जेल में डाल दिया था? तुमने तो मुआयदा करके सऊदी अरेबिया 10 साल के लिए चले गए थे और फिर जब तुम वापस आए और फिर उसने पकड़ के तुम्हें बाहर भेज दिया 8 साल के बाद, किसने तहरीक चलाई थी? ये जो तुम्हारे लोग आज कहते हैं हम लोहे के चने हैं या लोहे के दाने हैं, ये सब छुपके थे। नवाज शरीफ, तुम्हारी तरह के लोग तहरीक नहीं चला सकते, गीदड़ तहरीक नहीं चला सकते। गीदड़ों के ऊपर तो ये मशहूर है कि जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। आप अपने केस और मेरे केस का मुवाजना कर रहे थे, नवाज शरीफ अपने केस और मेरे केस का मुवाजना कर रहे हैं। मैं कभी आज तक इख्तदार में नहीं रहा। करप्शन तो इख्तदार में होती है। 4.5 साल पख्तूनख्वा में तरीके साहब की हुकूमत है। जाओ जाके नवाज शरीफ पख्तूनख्वा के लोगों से पूछो कि क्या इमरान खान ने एक फैक्ट्री लगाई? क्या बैंक ऑफ खैबर से 1 रुपया कर्जा लिया? क्या इमरान खान ने अपने रिश्तेदारों को नवाजा? क्या इमरान खान ने सिफारिशें की, नौकरियां दिलवाई, पुलिस में भर्तियां करा के पैसा लिया? आप एक चीज 4.5 साल में साबित कर दे कि एक इमरान खान ने क्लास 4 का नौकर भी लिखवाया हो, मैं पॉलिटिक्स छोड़ दूंगा। तुम्हारी तरह के
हर कोई नहीं होता जो कि सिर्फ इकतदार में जाती मुफादात के लिए आता है। एक फैक्ट्री थी तुम्हारी, इकतदार के 12 साल बाद 30 फैक्ट्रियां बना ली हम, बैंकों से कर्जे लेने के माफ करवाए, हर जगह पैसा बनाया, कमीशन बनाई। मैंने जवाब दिया, मैंने एक साल से अदालत में सुप्रीम कोर्ट में एक एक चीज का जवाब दिया। 30 दस्तावेज दिए, डॉक्यूमेंट्स दिए 30, आपने एक डॉक्यूमेंट दी बताने के लिए कि 300 अरब रुपया आपने मुल्क से बाहर कैसे भेजा बच्चों के नाम पे। 30,000 करोड़ रुपया का आपने जवाब देना था। तो गाला करोगे बताओ, मैंने तो 60 दस्तावेज दिए बताने के लिए कि मेरा एक ही फ्लैट था, बताने के लिए कितना क्या आया, कितने का बेचा, वापस कैसे लेके आया। आपने 30,000 करोड़ रुपए का जवाब देना था, इन्होंने क्या एक इन्होंने चीज दी, वो क्या थी, एक कागज दिया, क्या था? मैं उकाड़ा के लोगों को पता चलवा रहा हूं कि आपने कितना शऊर है। इन्होंने एक कागज दिया, वो क्या था? कतरी का खत दिया। अच्छा आप ये बताएं, कौन हाथ खड़ा करके बताएं, कौन कहते हैं कि कतरी का खत फ्रॉड था? जरा ये कैमरे वाले दिखा दो कि ड्राइवर में नवाज शरीफ देख रहा है कि उकाड़ा का सारा जलसा कह रहा है, बच्चे बच्चों को पता है कि कतरी का खत एक फ्रॉड था। यानी कि 30,000 करोड़ रुपया जो मुल्क से चोरी करके बाहर लेके गए, आपके पास एक चीज बताने के लिए नहीं कि ये पैसा किधर से आया, किधर से कमाया और बाहर कैसे गया। नवाज शरीफ आप हो इस कौम के मुजरिम। मैंने अपनी हलाल की कमाई क्रिकेट से ली, जिसके मैंने सारे दस्तावेज दिए और मैं पाकिस्तान पैसा लेके आया। मेरा आज उकाड़ा के लोगों 20 साल बाहर मैंने कमाई की, आज मेरा एक रुपया मुल्क से बाहर नहीं, सब कुछ पाकिस्तान में है, सब कुछ मेरे नाम पे है, सब कुछ मेरा जीना मरना मेरे मुल्क में। और नवाज शरीफ ये तेरी किस किस खिलाफ चलाओगे? फेडरल गवर्नमेंट तुम्हारी, तुम्हारा पुतला प्राइम मिनिस्टर, प्रोविंशियल गवर्नमेंट में तुम्हारा भाई बैठा है, बलोचिस्तान में तुम्हारी गवर्नमेंट, आजाद कश्मीर में तुम्हारी गवर्नमेंट, तहरीक किसके खिलाफ चलाओगे? और अदलिया के खिलाफ तहरीक चलाओगे, इसलिए कि अदलिया ने तुम्हें जो सारा वक्त, मैं दावे से कहता हूं कि नवाज शरीफ 30 साल पाकिस्तान की अदलिया इसको बचाती रही है। ये वो अदलिया चाहता है जस्टिस क्यूम की तरह के जज चाहता है कि टेलीफोन करके शहबाज शरीफ, छोटा भाई नवाज शरीफ का ड्रामा शरीफ, टेलीफोन करके कहता है जस्टिस क्यूम को कि फैसला क्या देना है। वो अदलिया चाहिए आपको, या वो सर्वोलमान जस्टिस क्यूम को टेलीफोन करके कहता है कि बेनजीर को 5 साल नहीं 7 साल की सजा दो, वो अदलिया चाहिए तुम्हें, या वो तुम अदलिया से करना चाहते हो जो तुमने सजाद अली शाह के सुप्रीम कोर्ट से किया था, डंडे पकड़ के अपने हुंडों को तुमने सुप्रीम कोर्ट पे हमला करवाया था और बेचारा चीफ जस्टिस सजाद अली शाह अपनी जान बचा के भागा सुप्रीम कोर्ट से, फिर पैसे चलाए तुम्हारा ये जो छोटा भाई है शहबाज शरीफ। और अभी मैं शहबाज शरीफ पे भी आता हूं, बहुत बड़ा ड्रामा है ये। छोटा भाई ब्रीफ केस लेके गया और जजेस को खरीदा कोयटा में जाके,
तुम्हें वो अदलिया चाहिए जो अदलिया तुम्हारे हर गलत काम करे और तुम्हारे हर जुर्म के ऊपर पानी फेरे। नवाज शरीफ बदल गया वक्त, मैं तो इंतजार कर रहा हूं तुम तहरीक चलाओ। पहले तो तहरीक चलाओगे तो पाकिस्तान के किसान तुम्हें नजर आएंगे जिनका तुमने माशी कत्ल किया। पहले तो पाकिस्तान के किसान तुम्हें टमाटरों से तुम्हें खुशामदीद कहेंगे। उसके बाद पाकिस्तान में हर जगह लोग नवाज शरीफ तुम्हारे से एक सवाल पूछेंगे और वो ये सवाल होगा कि तुमने खत्मे नबूवत का जो कानून था वो बदलने की क्यों कोशिश की। लोग तुम्हारे से पूछेंगे कि किसको खुश करने के लिए तुमने छुप करके खुफिया तरीके से खत्मे नबूवत के कानून को चेंज करने की कोशिश की। ये तुम्हारे से सवाल होंगे नवाज शरीफ। मैं इंतजार कर रहा हूं तुम निकलो। तुम एक तरफ से निकलोगे, मैं दूसरी तरफ से निकलूंगा, देखेंगे कि अब हम किसके साथ है। और ये बड़ी खतरनाक बात है, उकाड़ा के लोगों एक बात सुन लो। आपका जो भाई है, बड़ा भाई इमरान खान, उसने सारी दुनिया देखी है। सारी दुनिया मैंने देखी है। कोई क्रिकेट की वजह से, कोई वैसे मैं सारी दुनिया गया हूं। अब मैं आपको सिर्फ निचोड़ बता देता हूं कि दुनिया पाकिस्तान से आगे क्यों निकल गई। जो मुल्क तरक्की करता है उसमें दो चीजें होती हैं। ये गौर से सुन रहे नौजवानों, ये मैं आपके लिए तालीम, आपको सबक भी दे रहा हूं। मेरा काम है कि आपको एजुकेट करना, आपको गाइड करना, आपको बताना कि मुल्क क्यों हमारे से आगे निकल गए। और ये मुल्क जिसको अल्लाह ने सब कुछ दिया, इस मुल्क को, आपके मुल्क को जो अल्लाह ने दिया, आपको अंदाजा नहीं है। और इंशाल्लाह नए पाकिस्तान में हम कुछ साबित करके दिखाएंगे कि यही पाकिस्तान एक अजीम मुल्क बनेगा जिधर से इंशाल्लाह बाहर पाकिस्तान में नौकरियां ढूंढने आया करेंगे। यही पाकिस्तान बनेगा। बजाय हम भीख मांगे लोगों से, बजाय हम कर्जे मांगे लोगों से, हम जलील हों दूसरे मुल्कों के सामने, हम इंशाल्लाह गरीब मुल्कों की इमदाद किया करेंगे। हम गरीब मुल्कों को कर्ज दिया करेंगे। हम यहां से हिंदुस्तान को बताएंगे कि गुरबत कैसे खत्म करते हैं। हम इंशाल्लाह करेंगे, वो वक्त आएगा। लेकिन दो चीजें हैं जिससे मुल्क उठता है, दो चीजें। सबसे पहले एक मुल्क उठता है जब उसके इदारे मजबूत होते हैं, जब उसकी अदलिया मजबूत होती है, जब एक कौम अदलिया के ऊपर एतमाद करती है। बरतानिया में दूसरी जंग अजीम में बरतानिया तबाह हो रहा था। हिटलर जर्मनी का जो सरबरा था, बमबारी कर रहा था एक बरतानिया के ऊपर, तबाही हो रही थी, लोग डरे हुए थे। तो लोग प्राइम मिनिस्टर बरतानिया का जो विंस्टन चर्चिल था उसके पास गए और उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर साहब, क्या हम बच जाएंगे, क्या बरतानिया बच जाएगा। तो बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर ने, जब तबाह हो रहा था बरतानिया, उसने एक चीज कही और ये सुन लो, उसने कहा क्या हमारी अदालत इंसाफ दे रही है। वो हैरान हो गए कि क्या बात कर रहा है। फिर से उसने पूछा, क्या हमारी अदालतें लोगों को इंसाफ दे रही हैं। तो जब उन्होंने कहा कि जी दे रही है, तो उसने कहा कोई दुनिया की ताकत हमें तबाह नहीं कर सकती, क्योंकि जिस मुल्क में लोगों को इंसाफ मिलता है, जिस मुल्क में एक कमजोर आदमी की जान और माल की, उनका इंसाफ का निजाम उसकी हिफाजत करता है, जिस मुल्क में गरीब और ताकतवर कानून के सामने एक ही बराबर हो जाते हैं, उस मुल्क की आवाम उस रियासत के साथ जुड़ जाती है।
उनको बड़ी फौज की भी जरूरत नहीं पड़ती, उनके लोग फौज बन जाते हैं और अपने मुल्क के लिए खड़े हो जाते हैं, क्योंकि जब मुल्क आपको बचाता है आप अपने मुल्क को बचाते हैं। तो जो नवाज शरीफ कर रहा है अपनी चोरी बचाने के लिए, अपनी करप्शन बचाने के लिए, ये आवाम के लिए नहीं कर रहा। ये जो 300 अरब रुपया इसने चोरी करके मुल्क से बाहर रखा हुआ, ये उसको बचाने के लिए पाकिस्तान की अदालत पे हमला कर रहा है। आज अदालत से कह दे कि नवाज शरीफ चले ठीक है, हमने तुम्हें बरी किया, तो ये इसी अदालत की तारीफें करेगा। इसका सिर्फ मकसद अपनी जात और अपनी चोरी का पैसा। इसलिए उकाड़ा के लोगों, ये याद रख लो कि जब एक मुल्क के इदारे तबाह होते हैं, मुल्क तबाह हो जाता है। जब एक मुल्क के इदारे मजबूत होते हैं तो दो मुल्क दूसरी जंग अजीम में, जर्मनी और जापान, मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए थे। एक बिल्डिंग नहीं खड़ी थी। आपके पास अगर फोन है तो फोन के अंदर जाके गूगल करें और दूसरी जंग अजीम के उसके ऊपर जाके गूगल करें और जर्मनी और जापान पे करें, एक बिल्डिंग नहीं खड़ी थी, एक पुल नहीं खड़ा था, मुकम्मल तौर पर तबाह थे। लेकिन क्योंकि उनके इदारे मजबूत थे और उन्होंने अपने लोगों के ऊपर पैसा खर्च किया था, उन्होंने सरमायाकारी की थी अपने लोगों की तालीम पे, उनको इंसाफ देने पे, उनके लिए अस्पताल बनाने में, साफ पीने का पानी देने में, वो कौम 10-10 साल में फिर दुनिया की अजीम पावर बन गई। तो दो चीजें कौम को अजीम कौम बनाती हैं, मजबूत इदारे जिनमें इंसाफ के इदारे सबसे अहमियत रखते हैं, और दूसरी चीज जब एक कौम अपने लोगों के ऊपर पैसा खर्च करती है उनकी तालीम पे। कोई कौम, जो कौम अपने लोगों की तालीम पे, बच्चों की तालीम पे पैसा नहीं खर्च करती, आज दुनिया की तारीख में ऊपर नहीं गई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मदीना की रियासत में एजुकेशन इमरजेंसी तारी की। उन्होंने जब मुसलमानों के पास कुछ भी नहीं था, अच्छे हथियार भी नहीं थे, उन्होंने कहा जो काफिर, जो मक्का का कैदी 10 लोगों को पढ़ा लगा देगा, वह औजाज है, तालीम को तरजीह दी थी और उसकी वजह से वो मुसलमान उठे थे। इंसाफ और तालीम के ऊपर, दो चीजों के ऊपर, और इंशाल्लाह यही पाकिस्तान मैं आपको साबित करूंगा। जैसे ही हम इन चोरों का मुकाबला कर लिया, इनको शिकस्त दी, और अभी जल्दी वक्त आ गया इनको शिकस्त देने का, इसी पाकिस्तान को इंशाल्लाह अजीम मुल्क आपको बना के दिखाएंगे। रुक लो, तब्दीली आई रे, तब्दीली आई रे, तब्दीली आई रे, तू काला कर मुझे एक साल ये नवाज शरीफ के जो मोटू गैंग था, मोटू गैंग एक छोटू गैंग है ना, छोटू गैंग लोगों को लूटता था, ये मोटू गैंग है जो आवाम के पैसे के ऊपर एक करप्ट तरीन खानदान को बचाने के लिए निकले हुए थे। तो इन्होंने जिस तरह की बातें की, जिस तरह की इन्होंने जबान इस्तेमाल की, मुझे उससे कोई फिक्र नहीं है। लेकिन मुझे खास तौर पे जो जियो का मीर शकील रहमान है, जियो और जंग का, मैं शकील रहमान तुम्हें आज पैगाम दे रहा हूं, पहले तो इंशाल्लाह मैं तुम्हारे खिलाफ केस करूंगा, लेकिन अभी से तैयारी कर लो, तुम तैयार हो जाओ अभी से। तहरीक इंसाफ की हुकूमत इंशाल्लाह आएगी, और जब आएगी तो मैं तुम्हारे से पूछूंगा कि जो अरबों रुपए तुमने बाहर रखे हुए हैं, बड़े बड़े महलात में रहते हो, रोल्स रॉयस गाड़ियां चलाते हो,
कितना टैक्स दिया तुमने पाकिस्तान में? तुम्हारे से हम पूछेंगे, मेरा तो इंतजाम हो गया, अब तुम्हारा इंतजाम होने का वक्त आ गया है तुम्हारी तरह के लोगों का। और मैं ख्वाजा साहब ने भी तुम्हारे से भी पूछूंगा, अभी से मैं कह रहा हूं तैयार हो जाओ, हम इंशाल्लाह जीतेंगे। और मैं तुम्हारे से पूछूंगा कि प्राइस बॉन्ड निकाल के अरबपति कोई कैसे बन जाता है? कभी सुने कि जनाब अरबपति बन के प्राइस बॉन्ड निकलाता है इसका हर दूसरे दिन? तो ख्वाजा आसिफ तुम्हारे से पूछूंगा कि ये जो तुम 15-16 लाख रुपए महीने की तनख्वाह ले रहे हो दुबई से, एक कंपनी में लीगल एडवाइजर बने हुए हो, तुम्हारे बैंक अकाउंट आ रहे हैं जो तुमने डिक्लेयर नहीं किए, तुम्हारे से भी हिसाब लूंगा इंशाल्लाह। तुम शौकत आनंद का कहते हो कि वहां धांधली, वहां कोई पैसा इधर उधर हुआ? अब मेरा वक्त आ गया तुम्हारे से इंशाल्लाह मैं पूछूंगा। और जो आपके बड़े बड़े वजीर हैं सबसे मैं पूछूंगा कि इक्तदार से पैसे पहले आपके पास क्या था, और अब जब से आप इक्तदार में आए हैं अब आप क्या बन गए? मैं आपका हिसाब लूंगा इंशाल्लाह। मेरा वादा है कि मैं एक एक आपसे मैं पूछूंगा कि पाकिस्तानी कौम का पैसा जो तुमने चोरी किया तुम जवाब दे हो, जो तुमने पैसा बाहर लेके गए हम इंशाल्लाह पैसा पाकिस्तान में लेके आएंगे, और जो पैसा वापस आएगा पाकिस्तान में वो सिर्फ और सिर्फ मैं सिर्फ दो जगह पे इंशाल्लाह खर्च करूंगा, अपने बच्चों की तालीम पे और अस्पताल ठीक करने पे। अच्छा जी, आप शहबाज शरीफ, तुम्हारा ड्रामा, तुम्हारे ड्रामे करने के वक्त खत्म हो गए, लोग तुम्हारी असलियत जान बैठे। तुम जो हुदैबा पेपर मिल केस से अगर बचे हो भी ज्यादा देर नहीं बचोगे, हम इंशाल्लाह नैब के पास जाएंगे, नई चीजें लेके जाएंगे, नई चीजें सामने आई हैं। हमने जो 1.25 अरब रुपया आज से 20 साल पहले इस गरीब कौम का इस मुल्क से बाहर किया था मनी लॉन्ड्रिंग होके, शहबाज शरीफ अगर आपका ख्याल है कि ये कौम भूल जाएगी, किसी गलतफहमी में ना रहना। आज से 20 साल पहले रुपया $1.20 का था, जो प्लॉट लाहौर में 5 लाख रुपए का मिलता था आज 2-3 करोड़ रुपए का। तुमने तब इस मुल्क से, तुमने और सारे टप्पर ने, शरीफ टप्पर ने 1.25 अरब रुपया, 120 करोड़ रुपया इस मुल्क का तुम चोरी करके बाहर लेके गए थे। अगर तुम टेक्निकल ग्राउंड में, अगर तुम्हें सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए बचा लिया क्योंकि नैब तुम्हारे साथ मिली हुई थी, नैब के अंदर तुमने अपने अंपायर रखे हुए हैं, उन्होंने तुम्हें बचाया, हम तुम्हें इससे निकलने नहीं देंगे। हम तुम्हारा केस भी करेंगे, लेकिन मैं ये भी चाहता हूं कि शहबाज शरीफ तुम डिस्क्वालीफाई इलेक्शन के बाद हो, उससे पहले ना हो, क्योंकि मैं इसलिए चाहता हूं कि इलेक्शन से पहले तुम डिस्क्वालीफाई ना हो। अगर तुम डिस्क्वालीफाई हो गए मुझे तो मैच खेलने के लिए कोई नहीं मिलेगा इलेक्शन में। खड़ा है अब इमरान, करेगा सब कप्तान, नया बनेगा पाकिस्तान, नया बनेगा पाकिस्तान, नया बनेगा पाकिस्तान, जज के खड़ा है अब इमरान, नया बनेगा पाकिस्तान। मैं शहबाज शरीफ, मैं चाहता हूं कि अगले इलेक्शन में तुम नून लीग को लीड करो, और मुझे पता है कि नवाज शरीफ पूरी कोशिश कर रहा है, वो डरा हुआ है तुम्हारे से, तुम्हारा भाई डरा हुआ है क्योंकि गेम और कुछ चल रही है, उसको डर है कि तुम अगर जीत गए तो उसकी छुट्टी हो जाएगी, तो भाइयों के अंदर भी मसला हुआ है, लेकिन वो तुम्हारी फैमिली का मसला है।
मैं तो चाहता हूं कि मुकाबला हो क्रिकेट के दिनों में। आपको शायद याद, आप तो घर छोटे हैं सारे, जब मैं क्रिकेट खेलता था दो तीन दफा ऐसे हुआ है कि बाहर से जब टीमें आई तो वो कमजोर टीमें थी, तो मैंने कहा ये कमजोर टीम है, मैं इनके खिलाफ मैच नहीं खेलता, बच्चों को औरों को खिलाओ इनके खिलाफ। तो मैं चाहता हूं कि ये जो 2018 का मैच है ये सही तरह खेला जाए। और शहबाज शरीफ तुम्हारा मेरा जरा आमना सामना हो, क्योंकि भाई तो तुम्हारा उसकी तो सेंट्रल विकेट उड़ चुकी है, तो तुम इंशाल्लाह सामने और हम तुम्हें इस बारी शिकस्त देके दिखाएंगे। जो मर्जी कर लो, हमेशा तुम अंपायर साथ बुला के मैच खेले हो, अंपायरों को भी बुला लो, मेरा वादा है उसके बावजूद तुम इंशाल्लाह शिकस्त देंगे। उकाड़ा नौजवानों, वाहे पाकिस्तान क्रिकेट का कैप्टन हूं जो हिंदुस्तान से जीत के आया जबकि उनके अंपायर भी हिंदुस्तान के थे, वाहे कप्तान हूं। तो इंशाल्लाह शहबाज शरीफ जो मर्जी करो हम तुम्हें हराएंगे। अब आ गया खाकान अब्बासी, अच्छा नहीं उससे पहले मैं मुझे ये बताएं कि डीजल कौन है। जब मैं आता हूं डीजल शोर में जाता है, कौन है वो डीजल, कौन है कौन? फजल रहमान। जब जिस जलसे में जाओ डीजल शुरू हो जाता है। जो भी करप्ट आदमी है, जो करप्ट पॉलिटिशियन है, वो आज नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के साथ खड़ा है। आपको पता चल जाएगा जो इनके साथ होंगे, समझ जाओ कि वो अपनी चोरी बजाना चाहते हैं। तो खाकान अब्बासी, सवाल आपसे कि मुझे ये बताए कि आप लंदन हमारे पैसे पे गए थे, आप लंदन किसने आपको इजाजत दी कि पाकिस्तानी कौम, गरीब कौम के टैक्स के पैसे पे एक मुल्क के बड़े मुजरिम नवाज शरीफ को तुम लंदन में ले जाओ और उधर एक मफरूर जिसको तुमने यहां से बाहर निकाला है, तुम्हारे ऊपर नैब पे केस होना चाहिए कि तुमने एक करप्ट इसहाक डार को मुल्क से बाहर क्यों जाने दिया, जो कानून से भागा हुआ है तुमने भगाया उसको। तुम्हें इसहाक डार भी लंदन में मिला, तुम्हें नवाज शरीफ भी लंदन में मिला, मुझे बताओ तुम हो क्या? तुम पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हो या शरीफ खानदान के दरबारी हो? और मैं आज कोई शक था वो शक दूर हो गया है कि तुम भी इनके साथ मिलकर करप्शन करते रहे हो, इसलिए तुम इनके सामने खड़े होने से डरते हो, क्योंकि उनको भी पता है, इस हाकदार को पता है कि शरीफ खानदान का किधर कितना पैसा किधर पड़ा हुआ, इसलिए शरीफ खानदान इस हाकदार से डरता है, इसलिए उन्होंने बाहर भगवाया उसे। और खाकान अब्बासी, आप इसलिए इनकी गुलामी कर रहे हो शरीफ ब्रादरान के, क्योंकि उनको पता है कि तुमने पैसे बनाए, तुम भी करप्ट हो। और अगर नवाज शरीफ जी जो तुम तहरीक चलाने जा रहे हो, अगर तुम समझते हो कि आवाम तुम्हारे साथ है, क्यों नहीं इलेक्शन करवा देते, क्यों नहीं कहते अपने दरबारी खाकान अब्बासी को इलेक्शन करवाओ, क्यों डर रहे हो? क्या इलेक्शन करवाओ, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, चैलेंज करता हूं तुम्हें इलेक्शन करवाओ। की पंजाबी की बलोची की सिंधी ते पठान, एक मेरे का लीडर न कोई, एक मारी मारी जान, एक इमरान खान, सारे पाकिस्तान। आखिर में उकाड़ा के लोगों, मैं तुम्हें सिर्फ जाते हुए एक बात कहना चाहता हूं, सुनो। बात यह है
कि आपका मुल्क वो मुल्क है जो आज से 50 साल पहले सबसे तेजी से बर्रे सगीर में तरक्की कर रहा, सबसे तेजी से आगे जा रहा। आप सिर्फ मुतमिन हो जाए, हमने जब पाकिस्तान का निजाम ठीक किया फिर इंशाल्लाह ये मुल्क ऊपर जाएगा। तो आखिर में मैं जो बात आपको कहना चाहता था कि मुझे शेख रशीद ने कहा, शेख रशीद ने दो बातें की, उसने कहा कि मैं एक मेहनत कश घराने से था, गरीब घराने से था। शेख साहब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेहनत कश लोगों को पसंद करते थे, जो अपने खून पसीने से हलाल की कमाई करता है, चाहे वो मोची हो, चाहे वो छापरी वाला हो, चाहे वो पुलिस वाला हो। वैसे पुलिस वाला जो पख्तूनख्वा में हो, क्योंकि पंजाब में भी हमने ठीक करनी है पुलिस, अभी वो पुलिस नहीं जो पख्तूनख्वा में है। फिक्र ना करें, इसी पंजाब पुलिस को मैं वादा करता हूं कि ऐसे बनाऊंगा कि लोग इनकी इज्जत करेंगे। अभी लोग उनसे डरते हैं, लोगों को इत्मीनान नहीं है। आज पख्तूनख्वा की पुलिस की आवाम इज्जत करती है, उनके पर इत्मीनान रखती है। इसी तरह पंजाब पुलिस भी बदल रही है। जो भी मेहनत कश है अल्लाह उसको पसंद करता है, जो अपने मेहनत से अपने बीवी बच्चे पालता है, अपने बच्चों को अच्छी तालीम देने की कोशिश करता है ताकि बच्चे की जिंदगी बेहतर हो जाए, अपने पूरे माँ बाप का ध्यान रखता है, अल्लाह ऐसे लोगों को पसंद करता है। हमारा मसला ये नहीं कि ये नवाज शरीफ पीछे से क्या थे या इसहाक डार का बाप साइकिलों की उसकी पंचर लगाने की जगह थी, ये मसला नहीं है हमारा। रोक लो। हमारा मसला ये है कि जब आप लोगों का पैसा चोरी करके अब आपके बच्चे सारे अरबोपति बन जाते हैं और कौम बेचारी अपने बच्चों को ना पढ़ा सकती है, ना साफ पीने का पानी दे सकती है, अस्पतालों में चार चार मरीज हैं, जब आप उनका पैसा चोरी करके लेके जाते हैं, ये हमारा मसला है आपसे। इसहाक डार के बच्चे दोनों बेटे अरबोपति, इसके नवाज शरीफ के चारों बच्चे अरबोपति, शहबाज शरीफ के दोनों बेटे अरबोपति, उसके दामाद अली इमरान या उसका कोई नाम है वो अरबोपति। अब मैं ये सवाल पूछता हूं कि क्या जादू किया आपने कि सबके बेटे अरबोपति बन गए? आपका पैसा चोरी करके इनके बच्चे अरबोपति बने हैं, ये है हमारा मसला। अगर करप्शन, अगर ये अपने घर वालों की चोरी करे हमें क्या फर्क पड़ता है, लेकिन जब आपका पैसा चोरी होता है, जब एक कौम पीछे रह जाती है और ये इनके सारे बच्चे ऊपर चले जाते हैं, ये है हमारा मसला, ये है हमारी जंग। और मैं आज जागीर तरीन को खराज तहसीन पेश करता हूं। जैसे ही उसका नाम आया, हालांकि ना उसने करप्शन की, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना करप्शन है, ना टैक्स की चोरी है, ना मनी लॉन्ड्रिंग है, एक छोटे से टेक्निकल मसले पे उन्होंने जब उसको डिस्क्वालीफाई किया, जहांगीर करीम ने ये नहीं कहा मुझे क्यों निकाला, उसने अपना इस्तीफा दिया पार्टी से। मैं जहांगीर तरीन की इज्जत भी करता हूं, दुआ करता हूं कि रिव्यू में आप कामयाब हो, लेकिन मैं आज खड़ा होकर कहता हूं कि जो मेहनत की आपने पार्टी के लिए, जो आपने जान मारी है, सारी पार्टी आपको खराज तहसीन पेश करती है। तो रोक लो, तब्दीली आई रे, तब्दीली आई रे, तब्दीली आई रे, तू काला कर। और शेख साहब ने जो दूसरी बात की और आखिरी बात, शेख साहब ने कहा कि वो जमाइमा को बुला रहे हैं वापस। देखिए शेख साहब, पुरानी बातें ना करें, वो बेचारी से जो हुआ यहां पहले, यही ये शरीफ
खानदान और इनके जो भोंकने वाले उन्हें उस बेचारी को वो मुसलमान होकर पाकिस्तान आई, कहते जी यहूदी लौटी है, उस बेचारी को इतना इन्होंने तंग किया, वो अभी छोटी थी, कि जी यहूदी लॉबी है। फिर ये जो सारी जिंदगी इन्होंने किया है और इंशाल्लाह इनका वक्त आ गया कि अल्लाह इनको सजा देगा, झूठा केस कर दिया बेचारी पे, वो 24 साल की लड़की उसके ऊपर झूठा केस कर दिया कि जी वो टाइले स्मगल कर रही थी। शर्म करो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ, शर्म शर्म से डूब जाओ। आप हमेशा बुजदिल थे और हमेशा बुजदिल रहोगे, इसलिए मैं कहता हूं नवाज शरीफ गीदर तहरीक नहीं चला सकता। एक पुजारी बच्ची के ऊपर झूठा केस कर दिया तो वो जो उसका इन्होंने दिल दुखाया, एक तो वो इस वजह से उसने मेरे ख्याल में वो सारे 13 साल पुराने कागजात ढूंढे, शेख साहब खास तौर पे मुझे कहने आया है कि राणा सनाउल्लाह का नाम भूल रहा। अच्छा मुझे ये बताओ, हाथ खड़ा करके बताना कि क्या शक्ल से राणा सनाउल्लाह डाकू और डाकू लगता या नहीं लगता? जरा कैमरे दिखाओ लोगों को। ये है पाकिस्तान का वजीर कानून जो सबसे बड़ा डाकू है। मॉडल टाउन में बेदर्दी से इसने और शहबाज शरीफ ने बेचारे नहते लोगों पे गोलियां चला दी। सिर्फ एक वो कानून जिधर जुल्म का निजाम हो उधर ही बच सकता था। कौन से निजाम में आप 100 लोगों को गोलियां मारे, 14 को हला करते और आपको कोई पकड़े ना? राणा सनाउल्लाह तुम और शहबाज शरीफ तुम्हारे दिन गिने हुए, तुम्हारे कितने गिने हुए। शहबाज शरीफ ये जो तुम मासी और मजलूम शक्ल बना रहे थे अपने भाई की तरह, फिक्र ना करो, पाकिस्तानी कौम तुम्हें समझ बैठी है। इंशाल्लाह इलेक्शन में तुम्हारा मुकाबला करेंगे, तुम्हें हराएंगे और फिर तुम्हें अटियाला जेल में डालेंगे इंशाल्लाह।